जहां एक तरफ कोरोना जैसी महामारी के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, वहीं कुछ लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं। बल्लभगढ़ शहर के तिरका कॉलोनी के रिहायशी एरिया में टावर लगाए जाने को लेकर कॉलोनी के स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और इसके खिलाफ सभी कॉलोनी के स्थानीय निवासी लिखित शिकायत लेकर SDM कार्यालय पहुंचे। वे शिकायत देकर उपरोक्त टावर को वहां से हटाए जाने व नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग रखी। इस मौके पर वार्ड नंबर 37 के पार्षद दीपक चौधरी भी वहां पर मौजूद रहे और उपरोक्त टावर के विरोध में शामिल हुए। टावर है, हम 14 महीना आएंगे लड़ते लड़ते, अभी तानो है पीछे आवे कोरोना के चक्कर में जे पास करा ला, कैस कैस करा ला, पहले हमने खाद करा दी होगी, ये पहले खाद करा दी होगी, ये पहले हम तो DC ऑफिस में आते सबने कह दी जाओ खाद जाएगा कोई भाई, हमने कोई कानून नहीं करी, जिनने पीछे से लगा रहा है धीरे धीरे अपने काम करा ला है, अब इसका हमारा विरोध है। हमारी कॉलोनी सारे आप बीमार डरे हैं, 5-7 आदमी ऐसे हैं, मान सिंह भाई साहब जीता है, हरिचंद भाई साहब है, इतने बीमार। कौन सी कॉलोनी का मामला है? तिरखा कॉलोनी का मामला है जी। देखिए इतना भारी आक्रोश है, आप देख रहे हैं लोगों का कितना आक्रोश है, और पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट आई है कि टावर से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, और सेक्टर 21 का एक बड़ा चर्चित मामला इसमें रहा, जिसमें सेक्टर में रिहायशी क्षेत्र में से टावरों को हटाने का काम किया गया, और सरकार के भी निर्देश हैं कि रिहायशी क्षेत्रों में टावर ना लगाए जाए और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। उसी बात को देखते हुए लोगों के साथ आज हम SDM साहब से मिलने आए हैं। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।